ऑफ फंक्शन। चल बैठ बैठ जल्दी बैठ। हाँ आवाज नहीं बिल्कुल भी। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए। डिफरेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन। अब देखो कोई भी फंक्शन डिफरेंसिबल कब होगा वो चीज समझो। फंक्शन fx, फंक्शन fx इज सेट टू बी डिफरेंसिबल, इज सेट टू बी डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू a इफ लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस h अपॉन f a अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये क्या कहलाता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होगा? इक्वल होंगे, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो कभी भी आपको डिफरेंशियलिटी चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर आ चुका है इसमें प्रॉब्लम। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब किसी ने पूछा कि सर ये डिफरेंशिबिलिटी होती क्या है? डिफरेंशिबिलिटी का मतलब है, पहले इसको लिख लो फिर समझाता हूँ। मैंने कल की क्लास का वीडियो डाल दिया था। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास कब चल? डिफरेंशियल इक्वेशन तो खत्म हो गया तुम्हें? उसके बाद तो प्रॉब्लम भी खत्म चालू हो गया। पागल हो गई कौन सी दुनिया में? अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई कर्व है, समझना, ये कोई कर्व है, मुझे इस पॉइंट पर डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है। ये आपका एक्स इक्वल टू ए। अब डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है ये समझो। यदि किसी पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट रो, यूनिक टेंजेंट, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिबल है। जैसे मैं यहां पर एक टेंजेंट रो करता हूं, मैं क्या देख रहा हूँ? एक सिंगल टेंजेंट रो, कोई दूसरा टेंजेंट रो नहीं हो, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है? डिफरेंशिएबल है। फिर आप बोलो कि सर ये कैसे निकालेंगे? अब ये आपका ए आ गया, मैं नेग्लिजिबल डिफरेंस पर। बेटा नेग्लिजिबल डिफरेंस का मतलब है यहां पर मैं कोई पॉइंट लूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल लूंगा तो दिखेगा क्या तुम्हें? तो मैं ये मानता हूँ कि ये रहा नेग्लिजिबल पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका ए माइनस एच, या इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए माइनस एच, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ए माइनस एच। तो यहां पर आपने इसको ज्वाइन करके एक कोड बना ली, दिस इज ए कोड। फिर यहां पर मैंने नेग्लिजिबल डिफरेंस पर आगे चला गया, ए प्लस एच एफ ए प्लस एच, फिर यहां पर भी ज्वाइन करके मैंने इसको एक कोड बना ली। अब मैंने क्या करा? एच को किसकी तरफ कर रहा हूं मैं? जीरो की तरफ कर रहा हूं, मतलब एच नेग्लिजिबल कर रहा हूं। जैसे एच नेग्लिजिबल करूंगा तो ये कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपका टेंजेंट आता है। होता क्या है आपको पता है ना? यदि मैं इसका भाई इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का? ये पॉइंट है ए कोमा एफ ए, स्लोप क्या होता है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1। तो y2 क्या है यहाँ पर?
एफ ए माइनस एच, माइनस एफ ए अपॉन एक्स टू माइनस, और यदि मैं लिमिट एस टेंस टू जीरो कर दूं तो ये इसकी टेंजेंट में प्लॉट हो गया, ये टेंजेंट आ गई, तो ये क्या कहलाएगा? देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो दिस इज लेफ्ट हैंड है, ऐसे इस लाइन का स्लोप निकालो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और इस पे भी क्या लगा दो, लिमिट लगा दो एस टेंस टू जीरो, तो ये दोनों यदि इक्वल आ रहा है, मतलब इसको जीरो करने पे ये टेंजेंट बन रही है, इसको जीरो करने पे ये टेंजेंट बन रही है, तो दोनों की एक क्या आ रही है, यूनिक टेंजेंट आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है डिफरेंशियल, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो, तो ये इसका लॉजिक ये है, और यहां से निकला ये फॉर्मूला। ठीक, तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, हमें ये चीज नहीं, तो ये लिख लो, बस इतना ध्यान रखना, अब फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल कब होगा, ए देर इज ए यूनिक टेंजेंट, एट एक्स इक्वल टू, यदि केवल एक ही आपकी यूनिक टेंजेंट आ रही है किसी पॉइंट पर, तो फिर हमारा वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। यूनिक टेंजेंट का मतलब है, बस इतना ध्यान रखना, साफ पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो डज नॉट कंटेन साफ पॉइंट, यदि किसी कर्व पर साफ पॉइंट आ रहा, बोल नुकीला पॉइंट आ रहा है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफेंसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यदि मैं इसका कर्व बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनता है, तो कहां साफ पॉइंट आ रहा है, जीरो पे, तो इस पॉइंट पर आप कितनी टेंजेंट रो बना सकते हो, हजार टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियबल कहां नहीं होगा, जहां साफ पॉइंट आ रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। बताओ ये फंक्शन कहां डिफरेंशियबल नहीं होगा, -5/2, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू -5/2, एक्स इक्वल टू -5/2 पर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पर आपका जो कर्व बनेगा वो एक्स इक्वल टू -5/2 पर इस तरह का कर्व बनेगा। बाकी हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डिफरेंसिबिलिटी उस पॉइंट से निकालनी है, वो अभी मैं निकाल के बता रहा हूँ, और एक प्रॉब्लम आने के पूरे चांस रहेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे पिछली बार हुआ है ऐसा मत करना, दो प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी कभी आती है कि डिफरेंसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई और डिफरेंसिएशन की प्रॉब्लम आ गई, डिफरेंसिबिलिटी की यदि आप प्रॉब्लम करोगे तो लेंथी पड़ेगी, 100% लेंथी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको, यदि आपको अननोन वैल्यू निकालने के लिए आ गई तो पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करनी पड़ेगी, मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, उसकी जगह यदि डिफरेंशिएशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वही करना, वो इजी पड़ेगा, जल्दी होगी। तो पिछले वाले टर्न एग्जाम में, जैसे लास्ट ईयर के एग्जाम में यही हुआ, आपकी एक प्रॉब्लम आई डिफरेंशिएबिलिटी की, अननोन वैल्यू निकालने के लिए आई, एक आई डिफरेंशिएशन, यदि मैं इसको करता हूँ दो पेज से कम का नहीं बढ़ेगी,
और इसको करता हूं तो आधा पेज भी नहीं लगे, तो आपका टाइम यहाँ बच रहा है, बच्चे ने ये कर लिया उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो ये भी चीज अपन को इम्पोर्टेंट है कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। ये कल 10:30 से 11:30 तुम्हारी क्लास है, अबिल अब्बास पीछे, और किसी को भी आना है तो वो आ सकता है। अपना पहले टेस्ट का सिलेबस क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट लिए, तूने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है क्या बेटा? इसको पूछ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया था कि मैंने? यहाँ पर नहीं पढ़ाया ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। और किसी को भी रिवाइज करना है तो वो आ सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हाँ, हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है तो कल 10:30 से 11:30 आ जाए। ठीक, साढ़े ग्यारह क्यों करते हो आप? तो 12 ही करो, क्या करूंगा क्या? 1 घंटे के लिए आएगा इतनी दूर से, क्या मतलब है? 1.5 घंटा तो होना चाहिए, मजा भी तो आना चाहिए। तो किसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1.5 घंटे में हो जाएगी आराम से, रिवाइज करना तो आ जाएगा। चलिए भैया आगे लिखो, पेपर कर रहा हूँ बस हो जाएगा। वो तो पेपर है कहाँ? नहीं एक तो कर रहे थे मैंने कल 10th की। चलो मैं अभी बाद में आ जाऊंगी। और क्या, तबीयत खराब होने के बाद चला गया पता ही नहीं। भाई हो सकता है कि दिवाली की सफाई लाइन गायब हो गई, रद्दी में चले गए उन्होंने चेक करवा दिया। नहीं, गुमे पेपर कहीं नहीं है। हाँ भाई लिखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंसिबल। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंसिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंसिबल नहीं होगा। बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंसिबल, बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंसिबल एट एनी पॉइंट देन इट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यदि कोई फंक्शन डिफरेंसिएबल है तो वो कंटिन्यूअस 100% होगी। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंसिएबल एट एनी पॉइंट देन इट मस्ट बी या इट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डिफेंसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, और यदि डिफेंसिबल है तो कंटिन्यूअस 100% हो, और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफेंसिबल नहीं हो। डिफेंसिबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर है? चलो लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, डिस्कस द डिफेंसिबिलिटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द डिफरेंसिबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिस्कस द डिफरेंसिबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू
एक्स माइनस वन ए एक्स ए लेस देन टू, 2x-3 ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एट एक्स इक्वल टू टू। मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू टू पे। अच्छा सबो एमसीक्यू में आ जाए तो बहुत इजी है। बोलो x-1 का डिफरेंशिएशन 1 और 2x-3 का क्या दोनों सेम आ रहा है क्या? नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं। अब चेक कैसे करेंगे? देखो तो कभी भी लिखने के लिए आ जाए तो आप सबसे पहले 2 पे निकाल रहे हैं तो आप एक तो 2-h निकालोगे, एक आप वैल्यू निकालोगे 2+h और एक निकालोगे 2। ये तीनों वैल्यू पहले ही निकाल के रख लेनी है। यदि आप डायरेक्ट लिखोगे तो लेंदी पड़ेगी। जैसे आपको 2 पे निकालनी है तो f2-h निकाल लो, f2+h निकाल लो और f2 निकाल लो। f2-h, 2-h का मतलब 2 से कम। कम कौन सा है? तो यहाँ x की जगह 2-h रख दो, कितना आ गया बेटा? 1-h। 2+h मतलब 2 से ज्यादा। किस में रखोगे? इसमें रख दो, कितना आ गया? 1+2h। फिर f2 = 2 कहाँ आ रहा है? इसी में आ रहा है, कितना आ गया? बहुत इजी है, डिफरेंसिबिलिटी कंटिन्यूटी से ज्यादा इजी है। आपको सिर्फ ये निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सोल्व करनी, कंटिन्यूटी से ज्यादा इजी है डिफरेंसिबिलिटी। यदि डिफरेंसिबिलिटी पे प्रॉब्लम आता है तो आप आराम से कर लो। आप देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h→0 f2-h-f2/-h, f2-h-f2/-h, लिमिट h→0 1-h/(1/-h), 1 से 1 कैंसिल हो गया, -से -h कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है और डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ रहा था? 1, वो तो आएगा इसी 1, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h→0 f2+h-f2/h, लिमिट h→0 f2+h की वैल्यू 1+2h, f2 की वैल्यू 1/h, कितना आ रहा भाई राइट हैंड डेरिवेटिव? 2। तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंसिबल एट x इक्वल टू 2। तो fx डिफरेंसिबल नहीं है जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर आप बोलो सर आपको कैसे पता लगा ये कंटिन्यूअस है? देखो कंटिन्यूअस कैसे देखता है, 2 है ना, 2 रखो इसके अंदर तो कंटिन्यूअस। भाई आपका वैल्यू 0/0 तो आ नहीं रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ गया? लिख लो। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंसिबल नहीं है।
डिस्कस द डिफरेंसिबिलिटी ऑफ द फंक्शन एपेक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स प्लस थ्री एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एंड एक्स इक्वल टू वन। हमें x इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू वन पर इसकी डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है। बेटा यहां पर मैंने ये वाली प्रॉब्लम इसलिए ली क्योंकि मेरा दो काम हो जाएंगे, एक तो इसको डिफाइन करना आ जाएगा आपको जो कि आगे भी बहुत काम में आए। अब देखो पहला काम क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको ये समझो। यहां से क्या मिलेगा भाई, जीरो करने पे वन और यहां से कौन छोटा है, तो अब इसको वापस से लिखो, पहले माइनस एक्स प्लस थ्री लिखो फिर एक्स माइनस वन लिखो, क्यों अभी आपके लिए फायदा रहेगा। अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं भाई, एक्चुअल में आपका जीरो यहां यहां हुआ है, देखो एक तो माइनस थ्री पे हुआ है और एक, तो कितने इंटरवल बनेंगे, तीन, एक दो तीन, कितने इंटरवल बनेंगे तीन। पहला इंटरवल किससे कम, माइनस थ्री से कम के लिए ये दोनों नेगेटिव आएंगे। कैसे होता, पहले नेगेटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और फिर लास्ट वाले क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव। ये ऐसे चलता है, तीन होगा तो भी ऐसे चलेगा, जैसे पहले आपने रीराइट कर लिया तीन होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और लास्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, ये आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका है, वरना होता कैसे है, यदि आप माइनस थ्री से कम रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा अंदर वाली वैल्यू और ये भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसके आगे आपको नेगेटिव लगा के पॉजिटिव बनाना है क्योंकि मॉडुलस है, और इसके आगे भी नेगेटिव लगा के पॉजिटिव बनाना। इसको सोल्व कर ले तो कितना आ गया, माइनस टू एक्स माइनस टू, माइनस टू एक्स माइनस टू, ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया माइनस थ्री से कम। अब दूसरा है माइनस थ्री के बराबर और ज्यादा और वन से कम। मैंने क्या बोला, पहला वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, चाहे तो आप इसके बीच की वैल्यू रख के देख लो, यही आएगा। माइनस थ्री से वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू बताओ, जीरो, जीरो रखो इसके अंदर, जीरो प्लस थ्री पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया, जीरो माइनस वन इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव लगाया। ठीक है, सोल्व करो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया फोर आ गया, और तीसरा इंटरवल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दोनों मैंने क्या बोला, दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ये क्या आ गया 2x प्लस, तो ये आपका डिफाइन हो गया इस तरह से 2x प्लस। बेटा डिफाइन करने में दिक्कत है तो अभी एक और एग्जांपल ले लूंगा, ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले भी आ चुकी है इस तरह की प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी पूछ सकता है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता है। बेटा मंडे से शेड्यूल सेम रहेगा जैसे पहले चल रहा था, वापस से बता देता हूँ, 8:45 टू 9:45 फिजिक्स की क्लास, ठीक है, फिर 10 से 11 मेरी एक क्लास, 11 से 12 मेरी दूसरी क्लास, ठीक, फिर 12 से एक केमिस्ट्री की क्लास, फिर इवनिंग का शेड्यूल चालू हो जाएगा 2 बजे से, 1 से 2 तुम्हारा लंच का टाइम है, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 4 आपका टेस्ट के लिए, जब भी कोई भी टेस्ट होगा टेस्ट सीरीज का वो 3 से 4 में ही होगा। और जो 11 से 12 में मैथ्स की क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनके लिए 1 से 2।
अब बेटा मैं इसको तो आगे कर ही लेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देके और समझा रहा हूं तुम्हें कि जैसे हमने बोला एफएक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन सपोज, प्लस मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस टू। अब देखो यदि मैं इसको इसको डिफाइन करना है तो कैसे करूं, ये जीरो कितने इंटरवल बने, चार, 1 2 3 4। पहले इंटरवल के लिए तीनों नेगेटिव, दूसरे इंटरवल के लिए पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा और तीसरा, फिर और तीसरे के लिए बस इनको सोल्व कर लोगे आपका इंटरवल आ जाए। इंटरवल कैसे बनाओगे, पहले के लिए क्या लिखोगे एक्स लेस देन माइनस वन, फिर दूसरे के क्या लिखोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन, फिर तीसरा क्या लिखोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन, और चौथे के लिए क्या लिखोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चारों इंटरवल में बस वो प्लस माइनस करके आप वैल्यू निकाल, ऐसे बनेगा ये इंटरवल। आ गया समझ। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो एक बार इसको वापस रीराइट कर लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स आ गया, ये पूरा फंक्शन इस तरह से आ गया, -2x -2 एक्स सी लेस देन -3, 4 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 1, और 2x+2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपका फंक्शन है। इस पूरे फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर दें। नाउ डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू -3। अब वैसे भी दिख रहा है कि ये डिफरेंसिबल नहीं है, क्यों बोलो, -3 ये रकम, इसका डिफरेंसिएशन, अरे इसका डिफरेंसिएशन जीरो, दोनों सेम आ रहे कि नहीं, 0 2 सेम ही नहीं। आप मैंने क्या बोला, -3 भी चेक करना है, एक तो एफ -3 -h निकालना पड़ेगा, एक्स -3 + h निकालना पड़ेगा, और एफ -3 निकालना पड़ेगा। -3 -h मतलब -3 से कम, कौन सा फंक्शन, ये रहा -2 × -3 - h - 2, 6 + 2h - 2, 2h + 4। बेटा मैंने फर्स्ट बुक का वो भेज दिया तुम्हें ग्रुप पे, ठीक है ना, सेकंड बुक का आज भेज दूंगा अभी, फिर नई बुक का मैं बनाता हूँ वापस। फिर -3 + h के लिए क्या आ रहा है वो, और एफ -3 के लिए भी क्या आ रहा है वो, -3 + h के लिए 4 और -3 के इक्वल है तो 4। अब मैं इसकी डिफरेंसिबिलिटी -3 पे चेक कर लू, लिख लो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ -3 - h एफ -3 अपॉन -h, लिमिट एच टेंस टू जीरो 2h+4 -4 अपॉन -h। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -2, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ -3 + h एफ -3 / h, लिमिट एच टेंस टू जीरो 4 - 4 / h, सो व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, जीरो। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so therefore fx is not differentiable at x equal to -3, because left hand derivative is not equal to right hand derivative at x equal to -3, so therefore fx is
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। इस तरह से एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर आपका डिफरेंशिबिलिटी चेक होगी। लिख लीजिए। ऐसे वन पे चेक कर लेते हैं। डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू वन। वन पे चेक कर रहे हैं बेटा। वन माइनस एच क्या आ रहा है? फोर। वन प्लस एच टू इंटू वन प्लस एच प्लस टू, तो टू प्लस टू एच प्लस टू, सॉरी सॉरी सही तो है, तो टू एच प्लस फोर और एफ वन, बातें नहीं, एफ वन की वैल्यू फोर। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच अपॉन माइनस एच, फोर माइनस फोर अपॉन माइनस एच जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जीरो बेटा बातें नहीं होनी चाहिए, मैं कितनी बार बोलूं ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू वन। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिबल एट एक्स इक्वल टू वन। मिलेंगे एलपी मिलेंगे, वैसे भी नया लेना ही पड़ेगा, ये आ
लिख लिया। चलिए अब जो देखो लास्ट ईयर क्या आया था वो भी देख लो। सीबीएसई 2023 की प्रॉब्लम। पीछे जेराज इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 इज ए डिफरेंसिबल फंक्शन इज ए डिफरेंसिबल फंक्शन इन 0,2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ये सीबीएसई 2023 में आया था। सीबीएसई 2023 में आया था। चलो आंसर तो पहले ही निकाल लेते हैं। आंसर क्या आएगा देखो। आंसर कैसे निकालोगे? पहले एक्स किस पे निकालना है भाई? 0 से 2 के बीच में डिफरेंसिबल है तो बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? 0 से 2 के बीच में 1 आ रहा है तो 1 पे डिफरेंसिबल है। मतलब 1 पे क्या है? इधर सुन लो, 1 पे क्या है? डिफरेंसिबल। तो आप पहले 1 रखो इस पे और इधर 1 रखो तो ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंशिएशन करो ए एक्स प्लस बी का ए और नीचे वाले का 4x-1 4x और एक्स की वैल्यू 1 रखो 4-1 तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ये समझ में आया? ए की वैल्यू 3 कैसे आई? इसका डिफरेंशियल हो गया ए और इसका डिफरेंशियल कितना हो गया? 4x-1 और एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 3। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? अब ए का वैल्यू 3 रखोगे तो बी का वैल्यू कितना आ गया? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू -1। ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो ये आपका भाई पहले कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी। कंटिन्यूटी मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी दोनों में, फिर डिफरेंसिबिलिटी लगानी पड़ेगी। अब इसको चेक